हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसे कोई भी अपने घर पे आराम से घर के मसालों के साथ बना सकता है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल लिया, उसमें हरी मिर्च डाली हैं, दो हरी मिर्च का यूज़ किया है मैंने, और दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट करके इसमें डाले हैं। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। इसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, नमक। वो आप अपने स्वाद के अनुसार ही मसाले यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर। टमाटर को सॉफ़्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। ये सब्ज़ी दो मिनट में आजकल मैगी भी नहीं बनती है, बट लेकिन ये सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद बस मैंने इसमें डाल दिए आलू और शिमला मिर्च को कट करके। एक चीज़ है गाइज़, अगर आप आलू और शिमला मिर्च बहुत छोटे छोटे साइज़ में कट करके डालोगे ना, तो ये एक टाइप की भुर्जी सी बन जाती है, वो बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, आप बड़े साइज़ भी यूज़ कर सकते हो आलू और शिमला मिर्च के, बट मुझे पर्सनली जितने मैंने काटे हैं ना, अगर इससे भी छोटे कट जाए तो और अच्छे लगते हैं। बाकी आपका मन है, आपको बड़े डालने हैं तो आप बड़े भी कट करके डाल सकते हैं आलू और शिमला मिर्च। मैंने इसको थोड़ा छोटा कट करके डाला है। अभी मैंने आलू और शिमला मिर्च चेक किए हैं, अभी ये हुए नहीं हैं, बट इनको चलाते रहना चाहिए, कहीं नीचे से कढ़ाई में ये लग ना जाए, इसलिए मैं इसको बार बार चलाती रहती हूँ कि नीचे से लगे ना। बट एक चीज़ होती है कि अगर हल्के से कढ़ाई में लग जाए नीचे से, बट जलाना नहीं है, लगना है। और बस ये मेरे आलू और शिमला मिर्च रेडी हैं। बस बाय बाय, एंजॉय करिए।